सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के सात अजूबे। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी विश्व के सात अजूबों में अपना स्थान बना चुका है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मिस्टीरियस फैक्ट ऑफ ताज। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको पिछली वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल बात करते हैं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में विश्व का कौन सा अजूबा अपनी हिस्ट्री, भव्यता और सुंदरता के कारण कौन से स्थान पर आता है और कौन सी इमारत नंबर वन रैंक पे आती है और इन सात अजूबों का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था। आज का जो सफ़र है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, तो लेकर चलते हैं आपको फ्लैशबैक में आपके फेवरेट YouTube चैनल मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियो की अपडेशन भी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, जो कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और इस दीवार को बनाने में कई सदियां लग गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया और ना जाने कितने लाखों लोगों की मेहनत और योगदान से इसका निर्माण किया गया। इस दीवार को चाइना के लोगों ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था और इसकी लंबाई लगभग 4000 मीटर लंबी है। दुनिया के इस सातवें अजूबे का निर्माण मिंग शासनकाल में हुआ था और आज दुनिया भर के अलग अलग शहरों से हजारों पर्यटक इसकी लोकप्रियता के कारण इसको देखने आते हैं। इसकी अद्भुत सुंदरता और हिस्टोरिकल प्लेस होने के कारण इसे सात अजूबों की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे ही दोस्तों, अपनी सुंदरता और मन को छू लेने वाली भव्यता के कारण अगले नंबर पे आता है द वर्ल्ड स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर। दुनिया के सात अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू 98 फीट का है और ये स्टैचू ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में है। इसे 1931 में बनाया गया था। ये स्टैचू प्योर कंक्रीट से बनाया गया। दरअसल इसका निर्माण राजकुमारी ईसाबेल, जो कि ब्राज़ील के शासक की बेटी थी, उसकी याद में किया गया और इस प्रतिमा का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से स्टैचू का निर्माण रुक गया। दरअसल ये स्टैचू पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया जा रहा था ताकि पूरा शहर ये स्टैचू को देख सके और फाइनली 21 अक्टूबर 1931 में इसका निर्माण पूरा हुआ और ईसा मसीह की इस प्रतिमा को देखने के लिए कई टूरिस्ट ब्राज़ील में हजारों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्राचीन और हिस्टोरिकल जगहें पसंद है तो पेट्रा आपको जरूर पसंद आएगा, जो कि जॉर्डन देश में बना एक ऐतिहासिक प्लेस है। ये शहर अपनी अद्भुत वास्तुकला, डिज़ाइन और अपनी भव्यता के कारण बहुत लोकप्रिय है। पेट्रा यूनानी शैली की वास्तुकला से 300 BC में बनाया गया था और यही कारण है ये शहर अपना इतिहास खुद बयां करता है। ये शहर लाल चट्टानों को काटकर बनाया गया और यहाँ की मौजूद इमारतों में कई मंदिर, ओपन स्टेडियम और ऐसे कई मन को छू लेने वाले हिस्टोरिकल प्लेस बने हुए हैं। पेट्रा की अद्भुत सुंदरता और लाल पत्थरों को काटकर बनाई गई चित्रकला के कारण जुलाई 2007 में इसे विश्व के नए सात अजूबों की श्रेणी में भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह चौथे स्थान पर आता है अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला और हम भारतीयों का फेवरेट ताजमहल। दरअसल ताज का निर्माण भारत के आगरा में किया गया और ये बेगम मुमताज की याद में सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। इसका निर्माण 1632 से लेकर 1653 में किया गया और 42 एकड़ में फैला ये मकबरा अपनी लोकप्रियता, भव्यता और खूबसूरती की वजह से करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। और ये मकबरा इतना सुंदर और अद्भुत है कि भारत के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में टूरिस्ट इसे देखने आते हैं।
यमुना नदी के किनारे बना ये ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में अपना नाम बना चुका है। और दोस्तों, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, द मिस्टीरियस फैक्ट ऑफ ताजमहल। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। खैर दोस्तों, वीडियो की रफ्तार थोड़ी कम कर देते हैं और लेकर चलते हैं आपको 2007 में। क्या आप जानते हो, दुनिया के 7 अजूबे जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इनमें से कुछ अजूबे 2007 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ही जुड़े हैं। और ताजमहल भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में कुछ ही साल पहले जुड़ा था। नहीं नहीं, हैरान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। दरअसल 2000 से लेकर 2007 के बीच में स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया और दुनिया के 200 हिस्टोरिकल और एंशंट जगहों को चुना गया। और इसी तरह इन ऐतिहासिक इमारतों के डिज़ाइन, हिस्ट्री, आर्ट और भव्यता को देखते हुए दोबारा एक लिस्ट तैयार की गई। और अगर आप जानना चाहते हो पुराने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या थे, तो ये रही उनकी लिस्ट। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, टेंपल ऑफ आर्टेमिस, स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया, माउसोलिया एट हेलारेनासस, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, क्लॉसस ऑफ रोडेस, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड शामिल थे पहले की लिस्ट में। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की अगली रैंक पे आता है द रोमन कोलोसियम। यह इटली देश के रोम में स्थित है। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ा। और आज भी पश्चिमी जगत के बड़े हिस्से पर रोमन संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। दोस्तों, आप में से कितने लोग इस बात को जानते थे, पश्चिमी जगत की इंजीनियरिंग, वास्तुकला, भाषा और साहित्य का आधार प्राचीन रोमन सभ्यता से ही आया है। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोम राज्य की पूरी शक्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया था और खुद को यहाँ का तानाशाह घोषित कर दिया था। और इसके ठीक 18 साल बाद 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस रोम साम्राज्य का पहला सम्राट बना और इसके साथ ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। रोमन कोलोसियम अपने विशाल स्टेडियम, जो कि 24,000 स्क्वायर फीट मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इस जगह पर जानवरों की लड़ाई, खेलकूद और रोमन संस्कृतियों की झलक के कारण ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। यही कारण है इसकी अद्भुत सुंदरता, विशालता और वास्तुकला के कारण इसे 7 अजूबों की श्रेणी में रखा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, माचू पिचू। ये जगह दक्षिणी अमेरिकी देश, जो कि कोलंबस सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है, ये समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर बना है और इसका निर्माण 1403 के आसपास किया गया। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की गिनती में आने से पहले सन 1981 में इसे पेरू का ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया था। और इतना ही नहीं, 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर स्थल की गिनती में रखा गया। इसे इंकाओं की पुरातन शैली में बनाया गया, जिसमें पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि हजारों की संख्या में लोग इसके इतिहास और इससे जुड़ी सभ्यता को देखने के लिए आते हैं। इसकी प्रमुखता और सभ्यता के कारण जुलाई 7, 2007 को इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया गया। आखिरी और फाइनली दोस्तों, अगला नाम आता है चिचेन इट्ज़ा का। चिचेन इट्ज़ा को कोलंबस युग में माया सभ्यता द्वारा 600 ईसा में बनाया गया था। आखिर इसकी प्रमुखता का कारण यहाँ पर बने पिरामिड्स और इस पिरामिड के चारों तरफ 365 सीढ़ियाँ, जो कि हर दिन का प्रतीक है। और ये जगह हजारों साल से वैसी की वैसी बनी हुई है, जैसे हजारों साल पहले इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर पवित्र कुएं,
और खगोलीय वेधशालाएं भी हैं। इसके इतिहास के कारण 2007 को स्विट्जरलैंड के न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन ने चिचन इट्ज़ा को अपनी लिस्ट में जगह दे दी। इसी तरह अपनी भव्यता, सुंदरता, कलाकृतियों और हिस्टोरिकल प्लेस होने के कारण ये 7 अजूबे दी सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट आपको पसंद आई होगी। और कौन सा वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस पे वीडियो चाहते हो तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।